नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अच्छी खबर सच्ची खबर। कहते हैं कि राम ही आरंभ है, राम ही अंत है, राम ही अनंत है, कण कण में राम है, अनेकता में एकता का सूत्र भी राम है। एक तरफ अपने आराध्य के स्वागत में अयोध्या का रोम रोम राममय है, तो दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अब लगभग 15 दिन का ही समय शेष है जब प्रभु राम अपने भव्य दिव्य और अलौकिक और अद्भुत मंदिर में विराजमान होंगे और अपने आराध्य के स्वागत में अवधपुरी जगमगा रही है। अवधपुरी इस समय राममय है। कल्पना से भी परे अद्भुत अलौकिक अवधपुरी का दृश्य। शानदार लाइटिंग से जगमगाती अयोध्या, राम नगरी की भव्यता और दिव्यता की बात ही निराली है। एक ओर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को सजाने और संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। फिलहाल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए हवन कुंड और मंडपों को तैयार करने का काम जोर शोर से हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए कारीगर हवन कुंड को तैयार करने में लगे हैं। उन्हें आकार दिया जा रहा है, सजाया और सवारा जा रहा है। इसके अलावा नेपाल से आ रहे 21,000 साधु संतों को ठहरने के लिए जो टेंट लगाए गए हैं, उनका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पंडितों के ठहरने, उनके विश्राम से लेकर विशेष पूजा स्थल को भी तैयार किया गया है। एक ऐसा नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं जो राम नाम करने के लिए आ रहे हैं, और अपने बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कितने प्रांतों, सब प्रांतों से आ रहे हैं लोग हवन करने के लिए, जाप करने के लिए। और राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यह इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें आपको 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं जो सीताराम नाम का जाप करेंगे। 1,008 मंडली इसमें सीताराम का जाप करेगी। वो जो बड़ी जगशाला है उसमें 1100 दंपति राम मंत्र से रामाय सुहा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अयोध्या नगरी भगवान राम के स्वागत में सज संवर कर तैयार दिखाई दे रही है। रात के अंधेरे में अवधपुरी छटा ही निराली है। लता मंगेशकर चौक से अयोध्या को देखना शुरू करते हैं तब उनको लगता है कि अयोध्या रात की अयोध्या नहीं, यहाँ पर सूरज उगाया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये नज़ारा है, ये लता मंगेशकर चौक से सीधा कनेक्ट करता है हाईवे के, और यहाँ पर जिस तरीके से ये सूरज उग रहे हैं, लगता है कि साफ तौर से रात में सूरज निकल आया है, यानी कि ये वो रात की अयोध्या है जो दिन की तरह खूबसूरत दिखती है। अयोध्या की हर सड़क और चौक चौराहे की शानदार सजावट की जा रही है। राम मंदिर के साथ विकसित हो रही नई अयोध्या में विकास के साथ साथ प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की भी झलक पेश करने की पूरी तैयारी है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे की बात करें तो यहाँ पर फूलों से की गई सजावट इधर से गुजरने वाले हर शख्स का मन मोह रही है। यहाँ आ रहे तमाम सैलानी और श्रद्धालु अयोध्या के बदले हुए रंग रूप को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद नहीं करते थे कि इतना बढ़िया लाइटिंग, इतना अच्छा जो सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं, मतलब पूरा अयोध्या जगमा गया। लाइटिंग में लता चौक बहुत प्रोमिनेंट चौक बनाया, बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो सूर्य स्तंभ बनाए हैं वो देखने लायक हैं।
वहाँ पे जाके ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इंडिया में घूम रहे हैं या हम यूपी में घूम रहे हैं। हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड बाय योगी एंड मोदी बोथ। सैल्यूट टू बोथ ऑफ देम। तस्वीरों को जरा देखिए, कैसे रामनगरी अयोध्या के बस स्टॉप को भी सजाया और संवारा जा रहा है। जहाँ न्यू बस स्टॉप बने हैं अयोध्या में, सारे बस स्टॉप पे लगाया जा रहा है, काफी सुंदरता के लिए लगाया जा रहा है। ये सारे बस स्टॉप पे लगेंगे हमारे अयोध्या धाम में। भगवान श्री राम की प्रतिमा लग रही है, श्री बजरंगबली जी का लग रहा है, सारे राम के रिलेटिव सारे प्रतिमाएं लगी जा रही है। रामलला आ गए हैं, अब रामलला के आने के बाद और भी अयोध्या नगरी चमक जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन के साथ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद है और हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कहीं कोई चूक ना हो जाए। यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार आगामी 22 जनवरी को दृष्टिगत रखते, प्राण प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी दर्शनार्थी आ रहा उनकी प्रॉपर चेकिंग फिक्सिंग की जा रही है और आईपी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये आगामी 22 जनवरी के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी थी, पहले भी चेकिंग फिक्सिंग की जा रही थी, पर इस दौरान कुछ ज़्यादा ही हम लोग ध्यान दिया जा रहा है प्रत्येक, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और ही सुदृढ़ किया जा सके। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में धार्मिक पर्यटकों का सैलाब उमड़ने लगा है। देश और विदेश से यहाँ श्रद्धालु अयोध्या की बदलती सूरत को अपनी आंखों में कैद करने के लिए पहुँच रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, तो वही अयोध्या वासी भी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटे हैं। यानी अयोध्या में भव्य तैयारियां अपने अंतिम दौर में है और वो दिन अब दूर नहीं जब राम लला भव्य मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 जनवरी वो शुभ दिन जब पूरे विधि विधान से पूजा पाठ के बाद बाल स्वरूप रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और फिर भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। हर भक्त रामलला के दर्शन करना चाहता है, ऐसे में आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शन का विकल्प मौजूद है। क्या है पूरी प्रक्रिया, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में आप पहुंचते हैं और आपको श्री रामलला की अगर आरती करनी है तो उसके लिए भी सुविधा की गई है। इस दौरान आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आरती श्री रामलला की कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन आरती की जाती है, उसके लिए क्या है। ये श्री रामलला मंदिर कॉरिडोर में जैसे ही एंट्री करते हैं, यहाँ पर एक काउंटर है, उस काउंटर में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में अगर श्री राम की जो आरती करना चाहते हैं उसको यहाँ से ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके बाद उनको तकरीबन 30 से 50 लोगों को मौका मिलता है कि वो प्रत्येक दिन आरती कर सकते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो आरती करने के लिए यहाँ पर पास बनवाने के लिए ऑफलाइन खड़े हुए हैं, जिसमें उनसे पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? विनय, गाजियाबाद। आप यहाँ पे क्यों लगे हैं, क्यों में क्या? ये आरती शाम आरती के पास के लिए जी। आपने अप्लाई किया था कि ऑफलाइन करेंगे? नहीं, ऑफलाइन अभी यहाँ पे कराएंगे अप्लाई जी। यहाँ पर क्या प्रोसेस बता रहे हैं? यहाँ पे 1:30 बजे से चालू होता है शाम की आरती के लिए, और आधार कार्ड या अपने कोई किसी और आइडेंटिटी कार्ड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, वो पास इशू कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कतार में लोग लगे हुए हैं साफ तौर से वो आरती के लिए पास बनवा रहे हैं, और यही वो काउंटर है जहाँ से बन सकता है। हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि आखिर इसका प्रोसेस कैसे होता है और किस तरीके से ये पास बनाया जाता है। हमारे साथ में अंदर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से ये पास बनता है और कैसे होता है। सर, ये बताइए कि ये जो पास बनाने का प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या करते हैं आप? देखिए, प्रतिदिन 3 बार आरती होती है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 7:30 बजे। इसका पास सुबह 6:30 बजे से बनना प्रारंभ होता है और शाम को 8 बजे तक बनता है। क्या जरूरत होती है, जो लोग आते हैं क्या क्या आप मांगते हैं रिक्वायरमेंट?
जो श्रद्धालुगणों को लाना होता है उनके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। फॉरेन के हैं तो पासपोर्ट केवल अलाउड है, और बाकी जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस। कितने लोगों का एक दिन में आप लोग पास जारी करते हैं जिससे वो आरती कर सके? देखिए, यहाँ पर विंडो पर आकर वॉक इन पास जो बनता है वो प्रत्येक आरती में 30 पास बनते हैं, 20 ऑनलाइन होते हैं, 30 यहाँ से बनते हैं, और प्रत्येक आरती में 50 लोग जा सकते हैं। एडवांस में प्रत्येक दिन बनते हैं कि एडवांस में भी बनते हैं नेक्स्ट डे के? ऑनलाइन जो पास बनते हैं वो एडवांस होते हैं, उसको आप 15 दिन पहले से, आप 15 दिन बाद का भी आरती का पास बुक कर सकते हैं, बट यहाँ पर पास डेली बनते हैं। टाइमिंग आरती की क्या है से क्या है? सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 7:30 बजे। निःशुल्क है? निःशुल्क है, सभी पास निःशुल्क हैं, सारी सेवाएं राम जन्मभूमि निःशुल्क श्रद्धालुओं को देता है। लोगों को जो आरती है वो करने को मिल जाए, और यही वजह है कि लोग अपना क्यू लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, और उसके बाद आरती के लिए अपने आप को रिजर्व करते हैं, बुक करते हैं। दिन में 3 बार आरती की जाती है और उसमें वो शामिल हो जाते हैं। तो ये श्री राम लला की आरती के लिए एक सेवा जो है वो शुरू की जा चुकी है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव। चलिए, हमारे साथ खुद मौजूद हैं गीताबेन रबारी, तो आइए उनसे बात करते हैं। गीताबेन, प्रधानमंत्री ने आपके भजन को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने मेरा भजन ट्वीट किया, उनके जरिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक मेरा भजन भगवान जी राम का पहुंच पाया, और मोदी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा गाना अपने ध्यान में लिया। और ये जितने भी तनाव है ये सबके लिए बहुत धन्यवाद की बात है और खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये कि खुशी की बात है कि हमारे रामलला मंदिर पर विराजमान रहे, तो अब सब हर घर पे वो जश्न मनाएंगे, हर घर में दिए जलाएंगे। और मोदी जी ने तो, नरेंद्र मोदी जी ने, साहिब श्री ने अपना पूरा जीवन मंदिर के निर्माण के लिए अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है, क्योंकि पिछले कई सालों से उनका ये सपना था कि मंदिर बने, तो उन्होंने पूरा जीवन भगवान रामलला को समर्पित किया। बिल्कुल गीता जी, आपको जो भजन प्रधानमंत्री ने आपका जो भजन शेयर किया है, इसको आपने कब लिखा, कैसे इसको तैयार किया, इन सब के बारे में भी बताएं। वैसे तो मैं लाइव प्रोग्राम में बहुत भजन गाती हूँ, बहुत सारे जितने भी भगवान राम के पुराने हैं, पर हमने जब 2 साल पहले जब हर घर में जब रामलला के लिए हम सबसे दक्षिणा ले जा रहे थे कि आपका खुद का भगवान का मंदिर बन रहा है, तब ये जो हमारी बहन है सुनीता जी, उन्होंने लिखा था, 2 साल से ये गाना लिखा हुआ है, और हमारे मौलिक भाई मेहता है, उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया और रेडी किया। तो हमने सोचा कि जब टाइम आएंगे तो ये हम भजन सोशल मीडिया में या एलईडी निकाल के कुछ निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रसंग होगा। तो इस साल हमने जनवरी की हमने तारीख निकाली कि इस बार थोड़ा 1 महीना पहले ये बजट को रिलीज करेंगे ताकि सब लोगों तक पहुंच पाए, और सबके लिए खुशी की बात है। तो हमें भी बहुत इसके जितने भी उसमें जो लिरिक्स है वो सब जितने भी लोग हैं सबके दिलों की बात है। बिल्कुल गीता जी, सोशल मीडिया पर तो आपके भजन को हम सब सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको ट्वीट किया है, लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को जरा उस भजन की कुछ पंक्तियां लाइव सुना दें। हो आज जश्न ना मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए, हो वारी वारी जाओ में दशरथ लाल हनुमंत के स्वामी घर आए, अब सजेगा फिर खाली दरबार हम हिंदुओं के प्राण आए जी। थैंक यू। वाह, क्या बात है। क्या आपको भी उम्मीद थी कभी कि प्रधानमंत्री मोदी आपके इस भजन को खुद सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता था कि मेरा गाना ट्वीट होगा, पर मुझे ये विश्वास था कि इतना दिन सब लोगों तक तो मेरा गाना पहुंच पाएगा, क्योंकि बचपन से मोदी साहब का मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा है और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब उनके सामने मैंने परफॉर्म किया था रणोत्सव में, फिर मैंने गुजरात में हर बार साहब यहाँ पे आते तो मेरा प्रोग्राम होता है। मैं दिल्ली भी आई थी 19 में, क्योंकि मेरा एक गुजराती गाना था वो रिकॉर्ड ब्रेक उनको व्यू मिले थे, तो उनको पता चला कि गीता छोटी थी वो बड़ी हो गई, इसका ही ये गाना है। तो मुझ पर उनका बहुत आशीर्वाद आया। जब मैं सुबह 10 बजे उठी तो मेरे भाई ने और सब लोगों ने मुझे बताया कि साहिब श्री ने आपका जो गाना है वो ट्वीट किया है,
और ज्यादा खुश हो गई कि भगवान लल्ला के आशीर्वाद मुझे मिल गए और साहिब श्री ने भी ये गाना सुन लिया मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया गीता बेन आपका। आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें यही हमारी कामना है और ऐसे ही हमारे दर्शकों को राम से जुड़े गीत सुनाती रहें। चलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अपने आराध्य के स्वागत में हर कोई विशेष तैयारी कर रहा है। ऐसे में तिरुपति बालाजी मंदिर ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की विशेष तैयारी की है। सदियों के इंतजार के बाद शुभ घड़ी आई है, हर्षित हर मन उमंग गहराई है, राम लला की नगरी खुद पर इतराई है। राम नगरी अयोध्या का कुछ ऐसा ही नजारा है। यूं तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में पूरा देश लगा है, लेकिन आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में राम लला की स्वागत की कुछ विशेष तैयारियां हैं। जिस दिन भगवान राम अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे उस दिन श्री राम मंदिर के अभिषेक में भाग लेने वाले भक्तों को खास प्रसाद दिया जाएगा। ये प्रसाद होगा त्रुमाला में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाया जाने वाला प्रसिद्ध श्रीवारी लट्टू। वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने घोषणा की है कि वो राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान 1,00,000 श्रीवारी लड्डू प्रसाद में बांटेंगे। हर लड्डू का वजन 25 ग्राम का होगा। फिलहाल तिरुपति में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, घी में भूनकर बेसन तैयार किया जा रहा है, सूखे मेवों को भूना जा रहा है और लड्डू बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की ही है जहां इस वक्त श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये विशेष प्रसाद सड़क मार्ग से राम नगरी अयोध्या ले जाने की तैयारी की जा रही है। प्रसादम अभिषेक से एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में के संपन्न होने के बाद वहां मौजूद भक्तों को बांट दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।